हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 23 दिसंबर 2021 और हम जा रहे हैं वीगाकोट। वीगाकोट असल में बॉर्डर पे है, एकदम भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे है और वहाँ पे आम सिविलियन को जाने की परमिशन नहीं है। तो हमने परमिशन ले ली है। परमिशन कैसे ली है, किस तरह ली है, क्या कितना टाइम लगा उसमें, वो मैं थोड़ी देर में बताऊँगा। कहीं पर बाइक खड़ी करेंगे, रेस्ट करेंगे, तब बता देंगे आराम से। तो परमिशन हमें मिल गई है वीगाकोट जाने की बाइक से। तो अभी हम बाइक से वीगाकोट जा रहे हैं। बाइक से वीगाकोट की डिस्टेंस है भुज से 160 किलोमीटर। इस 160 किलोमीटर में 90 किलोमीटर तक तो विदाउट परमिशन जा सकते हैं कोई भी। उस 90 किलोमीटर बाद जो पॉइंट आएगा जहाँ पे चौकी है, जहाँ पे बैरियर वगैरह लगा हुआ BSF का, उसे बोलते हैं इंडिया ब्रिज। यानी कि भुज से इंडिया ब्रिज तक तो जा सकते हैं। इंडिया ब्रिज में हमारे उस परमिट की जाँच होगी, वो लोग एंट्री वेंट्री करेंगे जैसे भी, उसके बाद फिर हमें आगे जाने देंगे। तो हो सकता है उस इंडिया ब्रिज के बाद वे लोग वीडियो फोटो अलाउ ना करें, या हो सकता है अलाउ कर दें। तो जैसे भी होगा हम आगे आपको बताएंगे। ये बहुत ही यूनिक ट्रिप होने वाली है क्योंकि यहाँ जाने की परमिशन सबको नहीं मिलती है और हमें मिल गई बाइक से। ये पहुंच गए जी हम भिरंडियारा और यहां से व्हाइट रन का रास्ता अलग हो जाता है। ये लेफ्ट में चला गया धोरडो, यानी कि जहाँ पे रण महोत्सव होता है। इधर जाने के लिए चाहिए होता है परमिट। परमिट बनता है यहाँ से, हाँ परमिट बनता है धोरडो। यहाँ से 28 किलोमीटर है। तो जब कल हम वापस धोरडो जाएंगे ना, तब मैं सारा प्रोसीजर बताऊँगा, ये परमिट वर्मिट का कितना पैसा लगता है, क्या हिसाब किताब है, सब कुछ बताऊँगा। तो फिलहाल तो हम जा रहे हैं सीधे। ठीक है ना, चश्मा बेर कहाँ से मांग लाई, ये मुझे उन्होंने दिए थे। अभी जब हमने भिरंडियारा पार कर लिया, धोरडो पहुँचने वाले, ओ सॉरी, अभी जब हमने भिरंडियारा पार कर लिया, खावड़ा पहुंचने वाले हैं। खावड़ा से आगे फिर वो इंडिया ब्रिज आएगा। इंडिया ब्रिज में चेक पोस्ट है। अभी भुज से हम 60 किलोमीटर आ चुके हैं। तो मेरा मन कर रहा है कि थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूं। 18 को भुज आ गए थे, शनिवार था उस दिन। उस दिन मैं और प्रभु भाई सीधे पहुंचे BSF ऑफिस, वहां जाके एप्लीकेशन लिख के दे दी। तो इसका कोई पैसा वैसा नहीं लगता, जाके अपनी डिटेल एप्लीकेशन लिख दो जी टू द DIG और खाली आप चाहो तो प्रिंट करा लो, चाहो तो अपने हाथ से भी लिख दो। हमने तो हाथ से लिख दी थी। एक दो आदमी वहाँ खड़े हुए थे, वो कह रहे जी प्रिंट चलेगी, और मका कुछ ना होता। तो पूरी डिटेल हमने लिख दी। आधार कार्ड की कॉपी लगी थी मेरी और दीप्ति दोनों की, बस और कुछ भी नहीं लगा। बाइक का नंबर मांगा था एप्लीकेशन में कि जी बाइक का जो भी कोई गाड़ी है उसका नंबर लिख दो। तो हमने बाइक का नंबर, बाइक का कोई भी कागज़ नहीं मांगा, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं लगा। ये तो था। तो हम आज 23 तारीख है, कल यानी यस्टरडे 22 तारीख को जाके मैं गेट से एप्लीकेशन उठा के ले आया। एप्लीकेशन हमारी जो परमिट इशू हो गया था। तो मैं आपको परमिट की भी फोटोकॉपी दिखा रहा हूँ, जो ज़रूरी डिटेल है वो मैं छुपा दूँगा। तो बस ये इतना सा सिंपल सा काम है। तो अगर आप भी कभी आना चाहते हो इधर वीगाकोट बॉर्डर, और आपके पास टाइम वाइम तो होगा नहीं क्योंकि 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं, आप आज ही एप्लीकेशन दोगे तो वो आज तो उसकी प्रोसेसिंग होगी नहीं, मतलब 2-3 दिन लगेंगे। तो इससे इसलिए बेटर है कि किसी टैक्सी वाले से या किसी होटल वाले से पहले से बात कर लो, उसका कुछ वो पैसे वैसे लेगा, उसको पैसे भी दे देना। आपका कोई दोस्त हो भुज में, उससे कह देना, उसको अपने आधार कार्ड का वो व्हाट्सएप वगैरह कर देना, वो वहाँ से फिर प्रिंट आउट निकाल के आपकी एप्लीकेशन भेज देगा। तो एप्लीकेशन लिखने के लिए और लेने के लिए आपको वहाँ पे जाना ज़रूरी नहीं है। बाकी ये सब मेरे पीछे देख रहे हो, बन्नी ग्रासलैंड का हिस्सा है। बहुत बड़ा ग्रासलैंड है जी बन्नी, भारत का सबसे बड़ा ग्रासलैंड है बन्नी। इसके अंदर कुछ गाँव वगैरह भी हैं और मालधारी तो रहते ही हैं, मालधारी रहते हैं, गाय भैंस चराते हैं। और वो सामने उधर कुछ दिखाई दे रहे हैं, कैमरे में तो नहीं दिख रहे होंगे, वो है काला डूंगर की पहाड़ियाँ। काला डूंगर जो है कच्छ की हाईएस्ट पीक है। तो हाईएस्ट पीक पे एक मंदिर भी बना हुआ है। आज हम वीगाकोट बॉर्डर जाके वापस आएंगे क्योंकि बॉर्डर पे रुक नहीं सकते, तो वापस आके वहीं पे काला डूंगर पे ही रुकेंगे। ये आगे जी इंडिया ब्रिज 0 किलोमीटर, धर्मशाला 12 किलोमीटर, शहीद स्मारक पता नहीं। तो जी यहाँ वो सामने BSF का बैरियर है, उससे आगे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कतई मना है। उनसे हम बात करेंगे, तो अगर वे अलाउ कर देंगे तो फिर आगे के नज़ारे दिखाएंगे आपको, अगर वे अलाउ नहीं करेंगे तो फिर आगे के नज़ारे नहीं दिखाएंगे। इसी के साथ कैमरा को करता हूँ बंद। तो जी देखो, शॉर्ट में बस ये बताना था मुझे कि इंडिया ब्रिज से आगे की हमने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमारा कैमरा, मोबाइल सब कुछ चेक पोस्ट पे रखवा लिया था।
तो आगे ये वीडियो बहुत लंबी चलेगी और हम इंडिया ब्रिज से आगे के इलाके की पूरी आपको जानकारी देंगे। आप चाहो तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, बंद कर सकते हो, देखना बंद कर सकते हो, आपका मन लग रहा है तो भाई देखते रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी ये हुई इंडिया ब्रिज तक का, मैंने मामला आपको पूरा दिखा दिया था। भुज से लेकर इंडिया ब्रिज 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। इंडिया ब्रिज पे जब मैं पिछले 7 साल पहले आया था, मैं और सुमित भाई, तो उस टाइम वहाँ बीएसएफ थी तो अपना वो जो बीएसएफ की चौकी पे जो बंदा खड़ा हुआ था फौजी, वो अपने मेरठ का ही निकला, हम भी मेरठ के, तो यारी दोस्ती होगी हमारी। तो उसने बताया कि जी आगे जाने के लिए, विघाकोट बॉर्डर जाने के लिए कहीं भी परमिट चाहिए, परमिट बनती है भुज से, अगली बार आओगे तो परमिट लेके आना। मका जी ठीक है भाई, अगली बार परमिट लेके आएंगे। फिर उसने कहा कि अभी हाल ही में इधर पाकिस्तान की तरफ से कोई तस्कर वगैरह आए थे, तस्करी कर रहे थे, वो होता है अभी भी होता है, कुछ जो समुंदर के रास्ते आते हैं उन्हें वो अपनी कोस्ट गार्ड और ये नेवी वगैरह पकड़ती है, और कुछ इधर से भी आते हैं रण में से, तो तस्करी होती है यहाँ पे आतंकवाद का उतना वो नहीं है, नशीले पदार्थों की और जो सोने वगैरह की इनकी तस्करी चलती है यहाँ, तो पकड़े जाते हैं। तो उसने बताया कि जी आज हाल ही में पकड़े गए हैं, तो यहाँ पे इंडिया ब्रिज पे इंटेलिजेंस आई हुई है, 7 साल पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, इंटेलिजेंस वाले लोग भी आए हुए हैं, अगर इंटेलिजेंस वाले लोग ना होते तो मैं आपको बिना परमिट के भी जाने देता, क्योंकि आगे बीएसएफ है, हम ही हम हैं, हमारे भाई बंधु आगे, एक फ़ोन कर देना मामला ठीक है भाई। मैं कहा यार तुम भी अपना रिस्क मतलब छोटो पर है। इस बार हमने सबसे पहला काम यही किया, भुज में हम लैंड हुए, भुज पहुँचे, सबसे पहले इंडिया ब्रिज उसकी विघाकोट बॉर्डर की हमने परमिशन अप्लाई कर दी, परमिशन मिल भी गई कुछ दिन बाद। आज जो हम इंडिया ब्रिज पहुंचे तो यहाँ पे देखा गुजरात पुलिस का बैरियर लगा हुआ है, पहले गुजरात पुलिस का बैरियर नहीं था। अब परमिशन लेते टाइम भुज में मैंने पूछा था उससे, जिससे भी हम परमिशन लेते हैं, मैं कहा भाई ये बताओ आगे फोटो वोटो ले सकते हैं, उसने कह दिया था जी ले लेना फोटो वोटो, बस सेंसिटिव चीज़ों की फ़ोटो मत लेना, जैसे कि बॉर्डर वगैरह हो गई और जो आर्मी का बीएसएफ का सेटलमेंट हो गया, इन सब चीज़ों की फ़ोटो मत लेना, किसी आर्मी पर्सनल के फ़ोटो मत लेना, बाकी जब नज़ारे हैं, कुदरत है, सड़कें वगैरह, इन सब की फ़ोटो ले लेना, ऐसा उसने कहा था बीएसएफ वाले ने भुज में। लेकिन यहाँ पे तो गुजरात पुलिस है, अब गुजरात पुलिस का बैरियर है, उस बैरियर से आगे फिर बीएसएफ का एरिया शुरू हो जाता है, तो गुजरात पुलिस ने ही बोल दिया कि भाई आगे कोई फ़ोटो नहीं लेना आपको, जितने भी आपके फ़ोटो लेने वाले चीज़ें हैं, कैमरा है, मोबाइल है, सब कुछ आप एक बैग में रख के यहीं पर डिपॉजिट कर दो। मगा जी ठीक है भाई, अगर बीएसएफ को होता तो हम उनसे कह देते और बीएसएफ मान भी लेते। बीएसएफ दुनिया की सबसे ज़्यादा फ्रेंडली फोर्स है, सबसे ज़्यादा फ्रेंडली, पाकिस्तान के लिए डेडली, हमारे लिए फ्रेंडली बहुत ज़बरदस्त। तो अगर बीएसएफ होती तो वो अलाउ कर भी देते, जाओ यार जाओ मज़े करो फ़ोटो खींच लो, लेकिन गुजरात पुलिस ने, अब गुजरात पुलिस की भी देखो मजबूरी है, वो बीएसएफ ने कह रखा होगा कि यार किसी को लाने नहीं देना कैमरा वगैरह, तो अपनी ड्यूटी थी उनकी, उन्होंने पूरी कर दी, चलो कोई बात नहीं, तो अपने कैमरे मोबाइल सब वहीं पर डिपॉजिट कर दिए। अब आगे का एरिया कोई इंटरनेट नहीं है, कोई मतलब नेटवर्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो हमने रिक्वेस्ट करके पुलिस वाले से, मैं कहा भाई एक मोबाइल हम अपने साथ लेके जा रहे हैं, लेकिन इमरजेंसी के केस में कोई बात हो गई तो मोबाइल हमारे काम आ सकता है। अब क्या काम आए, क्या इमरजेंसी आए, वो सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, अभी ऐसे कुछ कह नहीं सकते। तो उसने कह दिया जी इमरजेंसी के लिए ले जाओ, लेकिन कोई फ़ोटो वोटो मत लेना बिल्कुल भी, मैं कहा बिल्कुल नहीं लेंगे। तो हमने एक मोबाइल अपने बैग में रख के हम ले गए थे, कोई फ़ोटो हमने नहीं लिया, और लिया भी तो हम सोशल मीडिया पे क्यों डाल लेंगे, क्यों डाल लेंगे भाई ये बताओ, सिंपल बात है, यूट्यूब पे हम क्यों डाल लेंगे। तो आगे कहाँ कहाँ कौन कौन से बैरियर है, कौन कौन सी फोर्स है, क्या है, वो सब तो हम नहीं बताने वाले, लेकिन इंडिया ब्रिज से 12 किलोमीटर आगे एक जगह है धर्मशाला करके, धर्मशाला से एक रास्ता ऐसे राइट में चला जाता है, एक लेफ्ट में चला जाता है, राइट वाला रास्ता पहुंचता है हनुमान भेड़िया बेट पे हनुमान मंदिर है, और हनुमान मंदिर भी जाने देते हैं, मतलब कि आप, और लेफ्ट वाला रास्ता चला जाता है विघाकोट। तो अगर आपके पास विघाकोट का परमिट है और आप हनुमान मंदिर भी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई ऐसा कोई मतलब रोकते नहीं, अलाउ भी कर देते हैं। इंडिया ब्रिज से धर्मशाला तक की रोड बेहतरीन, एक नंबर चौड़ी 2 लेन की रोड बनी हुई है, बढ़िया एकदम सूटो सूट भागे चले जाओ 12 किलोमीटर। धर्मशाला से 20 किलोमीटर दूर है हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर की सिंगल रोड है पतली सी, लेकिन अच्छी बनी हुई है, सूटो सूट जाओ और सूटो सूट आ जाओ वहाँ पे, आधे घंटे में पहुँचो आधे घंटे वापस। वहाँ पे भी हमें 2 फौजी मिले बीएसएफ के, जो मंदिर की देख रेख करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, तो फौजियों के रोटेशन चलते हैं, भाई आज जो तू जाओगे, आज जो तुम जाओगे, आज तुम जाओगे, तो ऐसे इनकी जो कंपनी है इनकी, वो सब आपस में करते हैं। तो एक बंदा बेचारा जयपुर का था, एक भाई खटीमा का था, बढ़िया उन्होंने, वहाँ पे भी एंट्री वगैरह होती है, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात करी, खाने पीने प्रसाद भी था, हलवा था थोड़ा सा प्रसाद, जितना प्रसाद होता है, तो खाना वगैरह बना रहे तो कह रहे थे भाई खाना वाना खा के चले जाना, मैं कहा भाई खाना खा के नहीं जाना, बहुत दूर जाना अभी भी विघाकोट। वापस फिर हम धर्मशाला वाले मोड़ पे आ गए, धर्मशाला से विघाकोट बॉर्डर है 60 किलोमीटर
और ये वाली रोड एकदम खराब, 100 किलोमीटर से भी ज्यादा लग रहा था वो 60 किलोमीटर गंदी सड़क, इतनी गंदी सड़क भाई, बहुत खराब। खराब क्यों है मैं बताता हूँ, क्योंकि आगे बॉर्डर की तरफ कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो ट्रक चलते हैं, डंपर वगैरह चलते हैं दिन रात ट्रक डंपर, और उन्होंने सड़क का कर दिया बेड़ा गर्क। सड़क गंदी हुई पड़ी है भाई, 60 किलोमीटर तय करने में हमें लगे 3 घंटे। 3 घंटे बाद हम बॉर्डर पे पहुंचे, बॉर्डर पे विगा कोट, कोट का मतलब होता है किला, तो पुराने ज़माने में कोई किला वगैरह रहा होगा या आना जाना होता था। उधर पाकिस्तान का सिंध है, हैदराबाद है, उधर कराची है, सब कुछ है, इधर अपना ये कच्छ है, फिर गुजरात है, तो आना जाना चलता था लोगों का, कारवां चलते थे। रण पार करके वो किला था विगा कोट का, तो उस टाइम तो भारत पाकिस्तान तो था नहीं, उस टाइम तो भारत पाकिस्तान था ही नहीं, तो यहाँ से कारवां रन क्रॉस करना था। हाँ बस रन सारा का सारा रन जो है इंडिया में है, पाकिस्तान में कोई रन नहीं है, रन खत्म, बॉर्डर फिर पाकिस्तान। पाकिस्तान में एंट्री करते ही वेजिटेशन शुरू हो जाती है, इंडस वैली शुरू हो जाती है, सिंधु घाटी, सिंधु नदी, तो वहाँ पे कोई रन वगैरह नहीं है। तो रन क्रॉस करते ही किला था, किले में मतलब कोई चट्टी वगैरह रहोगी, जैसे उत्तराखंड में बोलते हैं चट्टी पैदल यात्रा, तो कोई धर्मशाला टाइप की कुछ रही होगी, कुछ इस टाइप का। अब तो उसके खाली खंडर बचे हुए, छोटे छोटे दीवारें, दीवारों की नींव, पुराने जमाने की ईंटें, पत्थर, ईंटें जरूर थी, वो कंघी ईंट मैंने भी देखी थी। हाँ हाँ, तो काफी दूर तक भी पड़ी थी, बहुत बड़े एरिया में पड़ी हुई थी। कोट का मतलब बाकी हिस्से से ऊंचा भी था, वो जो चारों ओर तो रण वाला एरिया वो नीचा है और वो हिस्सा ऊंचा था। हाँ, तो वहीं बॉर्डर पे ही बीएसएफ है, बॉर्डर पे आर्मी भी है, सब। हम बीएसएफ वालों से जाके मिले, उन्होंने बहुत बढ़िया खातिरदारी करी, जाते ही हमारे भाइयों ने पानी पिलाया, ब्लैक टी पिलाई, उनके अफसर आगे सीओ वगैरह रहे होंगे वो, सीओ साहब आगे, उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई। एक वाच टावर बना हुआ था, वाच टावर से जी देखो जी ऐसे ऐसे ये ऐसे तारबंदी है, ये ऐसे ऐसे हमारी पोस्टें हैं, इधर ये बंकर बने हुए हैं, वो उधर पाकिस्तान की पोस्टें हैं, पाकिस्तान की पोस्टों में इतने फौजी दिखाई दे रहे हैं, इतने सब कुछ उन्होंने। पाकिस्तान की पहाड़ियाँ भी दिख रही थी वो छोटी छोटी सी। हाँ, छोटी छोटी सी कुछ पहाड़ियाँ, सब कुछ उन्होंने भी बताया खुल के। वहाँ से भी 4:30 बजे चले, 7:30 बजे वापस आने में भी 3 घंटे लग गए। 7:30 बजे हम पहुँचे वापस धर्मशाला और 8 बजे पहुँचे हम इंडिया ब्रिज। तो जी वापसी में जब आ रहे थे और आते टाइम जो लास्ट में लास्ट वाली बीएसएफ की चौकी थी, उन्होंने बताया कि जी 7 बजे के बाद वापस जाना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, अंधेरे में वापस जाना अलाउ नहीं है, लेकिन चलो आप दो लोग हों, महिला लेडीज साथ में हैं, तो चलो हम आपको 7:30-8 बजे अलाउ कर देते हैं। तो कभी अगर आप आओ इधर तो इतना टाइम लेके आना, भुज से टाइम से चलना, कि आप 7 बजे से पहले पहले आप इंडिया ब्रिज तक पहुंच जाओ, उजाले उजाले और आना, इंडिया ब्रिज वापस आना ही आना है हर हाल में। हाँ, इंडिया 7 बजे तक, 7 बजे तक मतलब उजाले उजाले में आपको इंडिया ब्रिज वापस आना ही आना है। और आगे सड़क का भी काम चल रहा है, सड़क अभी तो पतली सी सड़क है, उसे चौड़ा बनाने का काम चल रहा है। चौड़ी बन जाएगी तो फिर तो बेहतरीन सड़क बन जाएगी, लेकिन उसमें अभी 2-3 साल लग जाएंगे। तो भाई ये स्टोरी थी विगा कोट की। लेकिन विगा कोट जैसी जगहों पे, बॉर्डर जैसी जगहों पे एक बार, वंस इन ए लाइफ टाइम एक बार तो जाना चाहिए। तो मस्त मजा आया हमें, तो हमें मजा आया, पर कोई ये कहेगा वहाँ क्या करने गए थे तुम भी रहने में, ना वहाँ पेड़ पौधे हैं ना खाने, कोई कहता रहे, हमारी फीलिंग देखो, परमिट हमारे पास विगा कोट का था, लेकिन उन्होंने हमें हनुमान मंदिर भी जाने दिया कि यार जाओ तुम घूम के आओ हमारे एरिया सब बीएसएफ। चलो इसी के साथ विगा कोट वाली इस सीरीज को करते हैं ख़त्म, और आप समझ गए होंगे, मिस कर रहे होंगे विगा कोट के नज़ारों को। मुझे उम्मीद है कि गुजरात टूरिज्म और बीएसएफ दोनों मिलके, जैसे नडाबेट बॉर्डर पे इन्होंने काम किया हुआ है, इस तरह से अलाउ कर देंगे, सिंप्लीफाई भी कर देंगे, कैमरा वगैरह भी ले जाना अलाउ कर देंगे आने वाले टाइम में, ऐसी मुझे उम्मीद है। चलिए ठीक है भाई, बाय बाय, राम राम।